आज नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगे आप? ब्रेड रोल्स बनाएं, पर मेरे ब्रेड रोल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे, ना तो इनमें आलू होगा और ना ही इनको तला जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं इसकी भी रेसिपी आज। तो मैंने यहाँ पर एक कप लिया है, इस कप में मैं सबसे पहले 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। क्योंकि ब्रेड तो हम खुद बनाएंगे। ये मेरे पास 4 चम्मच चीनी है और 1 चम्मच ईस्ट डालूंगी मैं इसमें। चम्मच में ईस्ट डाल रही हूँ मैं। ये 1 चम्मच ईस्ट है और मैंने 2 कप जितना पानी, 1 कप सॉरी 1 कप जितना पानी वार्म करके रख लिया है, कोसा, ना गरम बहुत ना नॉर्मल। ये कोसा पानी मैं इसमें डाल रही हूँ। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, जब हम ब्रेड बनाते हैं तो कोसे पानी में ईस्ट को पहले ड्राई एग पे ईस्ट को हम मिक्स कर देते हैं और उसको फूलने के लिए रख देते हैं। तो मैं इसको भी चम्मच से मिक्स कर दूंगी और फिर इसको ढककर 10 से 15 मिनट रख दूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। देखिए चीनी नहीं है इसमें, तो अब मैं इसको 10 से 15 मिनट ढककर रख दूंगी और फिर हम इसको वापस आकर देखेंगे। मैं अब ये मैंने 2 कप मैदा निकाल लिया है और 2 कप मैदा में मैं 1.5 चम्मच इतना नमक मिला रही हूँ। पहले नमक को मिक्स कर लेंगे हम। और मैंने 1 क्यूब जितना बटर थोड़ा बहुत पिघला लिया है, पूरी तरह नहीं पिघलाया है, क्योंकि अगर पूरी तरह उसको मैं गैस पे रखकर पिघलाऊंगी तो फिर ब्राउन होने लगेगा बटर। तो मैंने 1 क्यूब जितना बटर आधा अधूरा पिघला लिया है। अब इसके अंदर ये देखिए, ये मेरा हो गया है, ये देखिए कितनी फ्रॉथिंग हो गई है, यहाँ पे भी फ्रॉथिंग आ गई है। तो ये भी हम मैदे में डाल लेंगे और वो कप वाला भी पूरा डाल के और बटर डाल के और इसको अच्छे से आटे की तरह मार लेंगे। बटर भी डालेंगे और इसको अच्छे से मार लेंगे, सारा मिक्स करके। वो पानी पूरा ही डल जाएगा हमारा। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा लगेगा तो हम थोड़ा सा मैदा और डाल लेंगे, पर वैसे ज्यादा होगा नहीं। इसको अच्छे से आटे की तरह मारना है हमने। सारा झाग वाग भी इसका निकल जाए तो हिला हिला के थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं। ये देखिए सारा निकाल लिया है और अब आटा अच्छे से मार लेंगे इसका। अगर थोड़ा सा ढीला लगेगा तो और डाल लेंगे, लेकिन वैसे नॉर्मली जब आप मारते हैं इसका आटा तो 1/2 कप पानी और 1 कप मैदे का कंसिस्टेंसी रहता है। मैंने उसी हिसाब से किया है, पर ये मुझे पतला लग रहा है तो मैं थोड़ा सा मैदा और लाके इसमें डाल देती हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून जितना मैदा और डाल दिया है इसमें और ये ठीक लग रहा है। और एक्चुअली हमें कप है वो अच्छे से पैक्ड भर के डालना चाहिए और मैंने लूज लूज ही डाला था और शायद इसीलिए कम रह गया ये। तो आप भी ध्यान रखिएगा, जब कप नापते हैं तो अच्छे से उसको पैक करके भरिए, नहीं तो फिर पानी थोड़ा सा कम लीजिए। तो ये अब देखिए ये ठीक हो गया है। अब इसको अच्छे से मार के और मैं इसको अब ढककर रख दूंगी 2 से 2.5 घंटे के लिए।
देखिए ये अच्छे से मार के मैंने इस बर्तन में शिफ्ट कर लिया है और अब हम इसको प्लास्टिक से क्लिंग फॉइल से ढक देंगे और फिर इसका ढक्कन भी ऊपर लगाकर अब हम इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए अलग रख देंगे। और मैंने इतने में ही ये न्यूट्रलाइट भी बाहर रख दिया है। वैसे तो मैं बटर का यूज भी कर सकती थी पर ज्यादा बटर लगता है इसमें, लगभग आधी टिक्की बटर लग जाता है तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे ये न्यूट्रलाइट का यूज करेंगे। मैंने पूरी टिक्की बाहर रख दी है, इसमें से आधी बाद में यूज करेंगे। बाहर इसलिए रख दी कि तब तक ये भी पिघल जाएगी, तो अभी हम 2-2.5 घंटे बाद वापस आते हैं, ये तब तक फूल जाएगा। देखते हैं हम हमारा ये मसाला मैदा का कैसा हुआ। ये देखिए बिल्कुल डबल हो गया है बढ़ के, ये खाली 1/4 था बर्तन में और अब बल्कि डबल से भी ज्यादा ही हो गया है, कहीं जैसे फूल गया है एकदम। तो अभी 2 मिनट इसको रुकते हैं, पहले बाकी सारी तैयारी कर लेते हैं। हम असल में बनाने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड रोल्स, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक पूरा लहसुन जो है उसको कूट लिया है। बटर हमने बाहर निकाल के रखा है, तो हम बटर में एक बर्तन में लहसुन, धनिया बारीक बारीक काट के और उसके अलावा नमक, काली मिर्च, ओरिगेनो वगैरह सब मिक्स कर देंगे। तो मैं ये सामान निकालती हूँ और फिर हम इस सबको मिक्स कर लेते हैं। देखिए मेरे पास धनिया इस टाइम है नहीं, तो यहाँ पे मैंने 750 ग्राम जितना मक्खन ले लिया है। इसमें मैं नमक डाल दूंगी 1/2 टीस्पून जितना, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च, ये मेरे पास सूखा बेजिल यानी कि तुलसी के पत्ते हैं ये डाल दूंगी, लगभग 1 टीस्पून जितना ये सब सामान डालेगा जो मैं डाल रही हूँ। ओरिगेनो है, अगर धनिया होता है तो और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर हमारे पास धनिया है नहीं अभी, तो इसीलिए मैं ये बाकी का सामान डाल रही हूँ। पार्सले डाल दूंगी मैं, थोड़ी सी पास्ता सीजनिंग डाल दूंगी, ये मैं 1/2 चम्मच इतनी डालूंगी क्योंकि पास्ता सीजनिंग में भी लाल मिर्च होती है, तो फिर हमने ऑलरेडी डाल दी है। अब इस सब में ये गार्लिक डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं न्यूट्रलाइट इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बटर चाहिए इसके लिए और वो काफी हैवी हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अमूल बटर भी यूज कर सकते हैं। व्हाइट बटर मत यूज कीजिए क्योंकि व्हाइट बटर अनसॉल्टेड होता है और हमें अनसॉल्टेड बटर नहीं चाहिए, हमें सॉल्टेड बटर ही चाहिए, तो इसीलिए हम या तो न्यूट्रलाइट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा सॉल्ट होता है, या फिर अमूल बटर। ये अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम मैदे का काम करेंगे। मैं देखिए थाल में थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ, ये जब आप इसको राइस करने के लिए रखते हैं मैदे को तो फूल तो खूब अच्छे से जाता है लेकिन ये सॉफ्ट भी काफी हो जाता है, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा मैदा थोड़ा थोड़ा और जरूरत पड़ेगा। तो अब ये सारा डाल के मैदा और हम इसको, ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है,
अब इसको हम ऐसे मारेंगे, बिल्कुल ऐसे मारेंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा मारते हैं। तो अगर थोड़ा सा यहाँ कम होगा मैदा तो मैं और डालूंगी। अभी मैंने 2 टेबलस्पून जितना मैदा डाला है, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, इससे इससे हो जाएगा। तो इसको आटे की तरह मार देते हैं हम अच्छे से, और फिर इसको आगे बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये एक हिस्सा ये है और 2 हिस्से ये हमने बना के रख लिए, थोड़ा थोड़ा मैदा लगा के, और हम अब इसको बेलेंगे। ये देखिए, हम इसको थोड़ा थोड़ा मैदा लगा लगा कर और इसको बेल रहे हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में बेल देंगे। देखिए मेरी शीट बेल के तैयार हो गई है। अब मैं ऐसे ही बटर के भी 3 हिस्से कर दूंगी, और एक हिस्सा मैंने इस पर डाल दिया है। मैं इसको फैला दूंगी पूरे पे अच्छे से। धनिया होता तो टेस्ट और अच्छा आता। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने धनिया के साथ भी इसको बनाया हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है उससे। ये भी टेस्ट अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है, बट धनिया का अपना अलग टेस्ट होता है तो और ज्यादा स्वाद उभर के आता। अब हम इस पे थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ चीज भी डालेंगे। मैंने फ्रिज में रख दिया था कद्दूकस करके, निकाल कर और इसमें इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, ये तो हमारा हो गया। अभी चीज आ रहा है तो हम चीज भी डाल देते हैं इसमें। ये देखिए, ये मेरा चीज है और ये मैं इसको डाल दूंगी ऊपर। वैसे आप बगैर चीज के भी बना सकते हैं, पर चीज से और ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा थोड़ा डाल देंगे हम, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, बस ये 1.5 क्यूब जितना एक पे डलेगा। बाकी का चीज बाकी में डल जाएगा, और इसलिए हम इसको फिर से फ्रिज में रख देंगे क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है इसको बनने में। अभी इसको 10-15 मिनट हमें दोबारा से राइज होने के लिए रखना होगा, तो इसीलिए बाकी का बाद में करेंगे। और इसको अब हम रोल कर देंगे टाइट से, एकदम टाइट इसका रोल बना देंगे। धीरे धीरे रोल करते जाएंगे, पतला पतला। आपको अभी ये पतला सा दिखेगा और ये फूल के काफी बढ़ जाता है बाद में। अभी जैसे 10-15 मिनट हम रखेंगे तभी भी फूल जाएगा काफी। और मैंने बेकिंग ट्रे पे ऑलरेडी ऑयल लगा के रख लिया है, तो इसको काट के हम ऑयल पे उस पे ट्रे पे रख देंगे और फिर इसको भी ऑयल से ब्रश कर देंगे। ये देखिए, ये मेरा रोल हो गया है। अब मैं इसको पीसेस में काट लूंगी, इसके तकरीबन 1 इंच चौड़े पीसेस, और थोड़ा सा इनको खींच के निकालना पड़ेगा, पूरी तरह से तो ऐसे नहीं कटते हैं। थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया तो थोड़ा पतला कर देते हैं इसको। थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखेंगे ट्रे में हम, क्योंकि ये जैसा मैंने कहा कि ये अभी फूलेंगे, 10-15 मिनट जब हम इसको रखेंगे तो थोड़ा सा फूल जाएंगे। अगर आपके पास बड़ा चाकू हो तो बड़ा चाकू भी आप यूज कर सकते हैं, ताकि
बार बार ना काटना पड़े। तो ये मेरा कट गया, अब मैं इसको एक एक करके ट्रे में डाल दूंगी। ये देखिए ये रोल्स मेरे बनके तैयार हो गए हैं, और इसको मैंने देखिए कितनी दूरी दूरी पे प्लेस किया है। तो अब इनको 15 मिनट तक मैं ढक के रख दूंगी, और उसके बाद फिर हम ओवन को प्रीहीट करेंगे 10 मिनट के लिए और पकाएंगे इसको। और भी नहीं मतलब इसको ओवन में पकाएंगे। वैसे इसको पैन में भी पका सकते हैं, मैं वो तरीका आपको अभी से बता देती हूँ जब तक मैं इसको ढक के रखती हूँ। हम लोग पैन में तेल लेके और फ्लैट पैन में तेल लेकर और उसको डाल देते हैं, इसको रख देते हैं, और जैसे ये कवर करके मैंने अभी रखा है ऐसे ही कवर करके रख देते हैं, और 15 मिनट के बाद फिर गैस ऑन करके और इसको जो ढक्कन होता है पैन का उसको किसी कपड़े से बांध देते हैं, क्योंकि ढक्कन पे स्टीम जाएगा तो नीचे गिरेगा तो पानी आएगा इसमें, वो हमें नहीं चाहिए। तो उसको 10 मिनट एक साइड पे और फिर 5 मिनट पे दूसरी साइड पे पकाया जाता है। तो इस तरीके से ये पैन में भी बन जाता है। तो अभी हम इसको रख रहे हैं रेस्ट करने के लिए, और 10-15 मिनट के बाद हम फिर ओवन प्रीहीट करते हैं। जब ओवन प्रीहीट हो जाएगा तो हम वापस आएंगे इसको बनाने के लिए। मैंने 15 मिनट के लिए ब्रेड रोल्स को अलग रख दिया था ढक के, और उसके बाद 10 मिनट ओवन प्रीहीट करना रख दिया था। ओवन भी ऑलमोस्ट हो गया है, 1-2 मिनट रह गए हैं। तो अब मैं इसमें ये ट्रे डाल दूंगी रोल्स की। वैसे आप नीचे ऑयल लगाने की जगह पार्चमेंट पेपर के ऊपर भी उसको रख सकते हैं। तो अब मैं ट्रे डाल देती हूँ अंदर। ट्रे में अंदर डाल के इसको 10 मिनट के लिए बेक पर कर रही हूँ। अगर 10 मिनट में ये लाइट ब्राउन नहीं हुआ तो हम 5 मिनट और करेंगे। देखिए मेरे वो वाले रोल्स बनने वाले हैं, बस निकालने का टाइम आ रहा है 1-2 मिनट में। मैं आपको ये इसलिए दूसरा लॉट दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें कुछ डिफरेंट किया है। मैंने इसके अंदर चीज नहीं डाला है, मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा चीज रख दूंगी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर हो जाएगा, ऊपर से चीजी सा लगेगा। ऑलमोस्ट उतना ही, 1 क्यूब जितना टोटल। पार्चमेंट पेपर पे रखा है मैंने इस बार, जैसा कि मैंने कहा था हम पार्चमेंट पेपर पे भी रख सकते हैं, बल्कि उस पर रखने से फिर ऑयल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये देखिए मैंने चीज रख दिया है इसके ऊपर, और वो वाला हो जाएगा तो मैं इसको डाल दूंगी अंदर। थोड़ा सा आप चाहें तो ऊपर से ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, बट अंदर डला हुआ है इसलिए जरूरत नहीं है खास। तो ये मेरे तैयार हो गए हैं, और मैं वेट कर रही हूँ कि ये बंद हो जाए ओवन मेरा, तो फिर उसके बाद मैं ये वाले डाल दूंगी। हमारे गार्लिक ब्रेड रोल्स बनके रेडी हैं। मैंने इसको सालसा सॉस और मस्टर्ड सॉस के साथ परोसा है। आप इसको बेक बीन्स के साथ, स्क्रैम्बल्ड एग्स के साथ, या आपकी चॉइस ऑफ सॉसेस के साथ किसी भी तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। तो बना के देखिए, इसको खाइए और हमें बताइए कैसा लगा। लाइक कीजिए वीडियोस, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपके पास हम कल दोबारा आएंगे विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।